बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमारा टॉपिक है। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने स्क्वायर को स्टडी किया था कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, कि स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम उसके इटसेल्फ के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक हो गया। इसके बाद आज हमने स्टडी करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट पेज नंबर 42 के ऊपर स्क्वायर रूट का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। स्क्वायर रूट क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ गिव दैट नंबर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बताइएगा आपको आवाज क्लियर आ रही है? आवाज नहीं जी आ रही थी जी, अब आ रही। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। लास्ट टॉपिक हमारा था स्क्वायर, हमने स्क्वायर को स्टडी किया था। आज हमने स्क्वायर रूट को स्टडी करना है। टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 42, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ गिव दैट नंबर। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है, लेट्स सपोज 16 है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें ये वाला नंबर हासिल हो। तो देखें वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें ये नंबर हासिल हो। तो देखें वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है 4। देखें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। इट मींस दैट के 16 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करें हमें वो नंबर हासिल हो। इसी तरह अगर मैं आपसे 25 का पूछूं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आप एक ऐसा नंबर तलाश करेंगे जिसको इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें ये 25 हासिल हो। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा? वो नंबर है 5। ठीक है, जब 5 को इटसेल्फ के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौन सा नंबर हासिल होगा? 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट है। अब हमने ये स्क्वायर रूट तो मैंने वैसे आपको बताया है कि स्क्वायर रूट होता क्या है। अब हम एक्सरसाइज जो हमारी है नेक्स्ट 2C, इसके अंदर हम स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2C के अंदर हमने स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट को फाइंड करने के टू मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद सेकंड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये दो मेथड हैं। इन दोनों मेथड की मदद से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है, इसका
जो सैंपल है वो ये होता है, ये स्केयर रूट है, ये भी स्केयर रूट का सैंपल है और इसके ऊपर ये छोटा सा टू, ठीक है, तो ये भी स्केयर रूट का साइन है। तो किसी भी नंबर, लेट सपोज एक्स है, एक्स का स्केयर रूट इस तरह लिखा होगा, अगर आपसे कहे 16, इसके ऊपर ये साइन लगाओ, इट मीन दैट कि हमने क्या करना है, 16 का स्केयर रूट फाइंड करना है। और आपको पता है 16 का स्केयर रूट किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बाई डेफिनेशन बताया था कि आपने किसी भी नंबर का स्केयर रूट का मतलब ये होता है कि आप किस नंबर को इट सेल्फ से मल्टीप्लाई करें और ये आंसर आए, तो वो 4 था, ठीक है। लेकिन अब हम प्रॉपर एक मेथड की मदद से स्केयर रूट को फाइंड करेंगे, एक्सरसाइज 2C ओपन करें। अब सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड की मदद से हम स्केयर रूट को फाइंड करेंगे एक्सरसाइज 2C के अंदर। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्केयर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से स्केयर रूट फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपको क्वेश्चन दिया 144, जी 144 का हमने स्केयर रूट फाइंड करना है। तो अब हमारे लिए बताना मुश्किल है कि 140 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, तो इसके लिए हम आप प्रॉपर मेथड करने लगे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सिंपल है कि आपने ये पहले भी की हुई है छोटी क्लासेस के अंदर, तो 144 को आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले ये जाएगा 2 पे, तो 2 7 और ये 2, इसके बाद ये 2, ये आएगा 36, फिर अगेन 2 पे 18, फिर 2 9, 3 और ये 3 और 1, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, सबसे पहले 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब आपने इसका स्केयर रूट फाइंड करना है, तो स्केयर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको स्केयर की फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि जो स्केयर और स्केयर रूट है ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो आपने क्या करना है इसको स्केयर 2 की पेयरिंग बना लेनी है। तो देखें 2, हम पहले 144 को लिख लेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3, तो सबसे पहले मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिख ली। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको स्केयर की फॉर्म में चेंज करना है, तो ये 2 की पावर 2, ये भी 2 की पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 की पावर 2, ठीक है, आपने इसको स्केयर की फॉर्म में चेंज कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपने, क्योंकि स्केयर रूट फाइंड करना है तो आपने अब स्केयर रूट ले लेना है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, अब स्केयर रूट की फॉर्म में चेंज करने के बाद आपने इसका स्केयर रूट ले लिया। अब स्केयर रूट में जो स्केयर है और स्केयर रूट है ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो देखिए ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 2 आर 4 4 3 आर 12, तो हमारा आंसर क्या है, 12, ठीक है जी। 144 का स्केयर रूट किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। इसके बाद हम इसका बी पार्ट करते हैं, उसके अंदर भी आपको एक नंबर दिया हुआ है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से स्केयर रूट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स बताइएगा आपको आवाज क्लियर आ रही है, जी स्टूडेंट्स बताएं आपको आवाज क्लियर आ रही है, आपको आवाज आ रही है,
क्वेश्चन नंबर वन हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है 144 आपको दिया हुआ है, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 144 सबसे पहले आपने 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 144 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिख लिया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इसके बाद आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपने इसको पेयर की फॉर्म में चेंज कर लेना। तो ये देखें 2 × 2 तो 2 × 2 × 2 ये भी 2 × 2, 3 × 2 × 3। आपने इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर देना है। अब इसके बाद हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आई, 2 × 2 × 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 12। ठीक है, तो 144 का जो स्क्वायर रूट है वो गया है 12 आया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आप पार्ट है 119 36। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 1936 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, 2 2 9 18, 1 कैरी तो 2 6 12, 2 8 16। इसके बाद नेक्स्ट अगेन 2 पे तो 2 4 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4। अगेन 2 पे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। जी अब ये 2 पे डिवाइड नहीं हो गया, 121 ये किस पे जाएगा, 11 पे, तो 11 1 11 11 1 11। अगेन 11 पे तो 11 1 11। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 1936 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब प्राइम फैक्टराइजेशन को आपने लिख लेना है 2 × 2 × 2 × 2 × 11 × 11। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली। इसके बाद नेक्स्ट आपने इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो ये देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर आपका किसी भी नंबर को जब उसके इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर में चेंज होता है, 2 की पावर 2। तो देखें ये 2 की पावर 2 × 2 × 11 की पावर 2। ठीक है, अब आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना। तो 2 की पावर, ये देखिए 2 × 2 × 11, 2 का भी स्क्वायर है, इस 2 का भी स्क्वायर है और 11 का भी स्क्वायर है, तो सभी का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर कंबाइन कर लेना है। ठीक है, तो सभी अगर स्क्वायर की फॉर्म में तो हम उनके स्क्वायर को कंबाइन कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 2 × 2 × 11 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, सो 2 × 2 × 11, सो 2 2 4 4 11 11 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 44। जी हमने जो सेकंड नंबर आपको दिया हुआ था 1936, इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 44 के इक्वल है। तो ये सेम प्रोसीजर, आपने पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है कैंसिल करके, जो आपका आंसर आएगा वो आपका उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने होमवर्क में करने हैं। जी इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसके अंदर भी आपने क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इनका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 49/81। जी तो आपने सिंपल, पहले हमें एक नंबर दिया होता था हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे, अब दो नंबर दिए हुए हैं तो आपने क्या करना है, 49 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है और 81 की भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो ये 7 7 1 7 7, इसके बाद 81 है 3 27
3, 9, 3, 3 और 3, 1 ठीक है। तो आपने 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 81 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ठीक है। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद इसको आपने स्केयर की फॉर्म में चेंज करना है, तो ये 7 का स्केयर, नीचे 3 का स्केयर, ये देखें ये स्केयर एक पेयर बनेगा और एक ये पेयर बनेगा ठीक है। अब सभी के स्केयर को आपने क्या करना है, कंबाइन कर दें, ठीक हो गया। तो सभी का, क्योंकि इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, तो सभी का ए होल स्केयर लिख देंगे। अब होल स्केयर, अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे, तो 7 ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 ये स्केयर, और इसके ऊपर हमने क्या ले लिया, स्केयर रूट ले लिया, ये आपस में कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या है, 7/9। जी स्टूडेंट्स, आपको स्केयर रूट निकालना आ गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जी आप अपना माइक अनम्यूट करके बात। सर मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अब आपको आवाज नहीं आ रही थी, आवाज सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर जी कोई समझ नहीं आया, बहुत कम आपकी आवाज आ रही है। यस सर, आप अपने आप हैंडफोन यूज कर लें, आपको यहाँ पर कोई कुछ प्रॉब्लम की वजह से आवाज आपको स्लो आ रही है। सर मैंने हैंडफोन इस्तेमाल किया है, फिर भी आवाज आ रही है। आपकी आवाज बहुत कम थी। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। यस आपकी आवाज बिल्कुल नहीं थी आ रही। आप तो सर आवाज आ ही नहीं रही। सर बिल्कुल इसके बाद नेक्स्ट हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट आपको दिया हुआ है 484/1225। सबसे पहले आपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 484 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपने, 1225 इसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये देखें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2, 4 और ये 2, अगेन 2 पे तो 2, 2 और 1, 11 पे तो 11 और ये 1, इसी तरह आप इसकी करेंगे तो ये आएगा 5 पे, तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 पे तो 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 7 7 7 ज़ा। तो सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, इसके बाद नेक्स्ट आपने प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लेना, तो ये क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। नेक्स्ट 1225 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसके बाद आपने इसको स्केयर की फॉर्म में चेंज करना, तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2, नीचे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब ये सभी नंबर्स के स्केयर हैं, अगर सभी नंबर्स के स्केयर होंगे तो आपने इनको एक स्केयर में चेंज कर लेना, तो सभी को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, इन सभी का क्या है, स्केयर है ठीक है। इसके बाद 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22, नीचे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 35, और इसका ऊपर क्या आएगा, स्केयर। अब हमने क्या करना है,
स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो हमारा आंसर यह है 22/35। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। सर आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आया मैथ्स का। जितना भी आपने समझाया सर बिल्कुल नहीं आया समझ। सर टाइम पूरा हो गया, नेक्स्ट टाइम की क्लास आ गई है। सर वो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया जो हमने कराया, क्वेश्चन टू। सर जी क्वेश्चन टू वो समझ ही नहीं आया। सर आवाज बहुत कम आई थी। सर टाइम हो गया। सर एक हफ्ता आवाज ही नहीं आ रही थी। सर आप कल करा लीजिएगा क्वेश्चन टू, अभी अभी तो बिल्कुल समझ नहीं आया। यस सर। सर अब नेक्स्ट क्लास भी आ गई है। और ये सर क्या क्लास का दे रही है।